कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और डीबी के रिजल्ट में वो कम्युनिटी वाइज रिजल्ट चाहते थे। तो फाइनली गाइस आपका इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और रेलवे ने कम्युनिटी वाइज बिल्कुल रिजल्ट की पूरी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। अब देखते हैं कि इस रिजल्ट में कहाँ पर क्या और कैसे धांधली हुई है और छात्रों के साथ इस तरीके से क्यों अन्याय किया जा रहा है। और इसी अन्याय के लिए आज की डेट में ट्विटर महाअभियान चालू है। आप इस हैशटैग के साथ यदि आपने अभी तक ट्वीट नहीं किया तुरंत जाएं और इस हैशटैग के साथ आप ट्वीट करें जिससे रेलवे को अपनी गलती मानना पड़े और जो रेलवे के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और ये अन्याय रेलवे का खत्म हो सके। तो फाइनली फ्रेंड्स आप बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस यदि आप इस फुल नोटिस को देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्टडी विथ मैथ आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोटिस को फुल पब्लिश किया हूँ, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने जो नोटिस है वो ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे साउथर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटिंग सेल चेन्नई, ये आरआरसी चेन्नई के द्वारा पब्लिश किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएन नंबर 012019, ये जो है कि लेवल वन की पोस्ट है और यहाँ पर कम्युनिटी वाइज रिजल्ट। यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिस में बताया गया है, सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे देयर नो चेंज इन द आप कैंडिडेट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंस मेडिकल एग्जामिनेशन एक्रॉस साउथर्न रेलवे 17 फरवरी 2023। तीनों ने ये बोला है कि हमने जो पहले रिजल्ट दिया था उसमें किसी प्रकार का हमने बदलाव नहीं किया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए गए थे उन्हें ही जो है इस भी नोटिस में इंक्लूड किया गया है। दिस डॉक्यूमेंट कंडक्टिंग ऑफ कंडक्ट कॉल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन साउथर्न रेलवे 17 फरवरी टू 6 फरवरी। यहाँ पर देखें 17 फरवरी 23 है ऑलरेडी अपलोडेड वेबसाइट है 6 फरवरी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 फरवरी से होने वाला है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ही 6 फरवरी को अपडेट कर दिया गया था। फॉर द केस ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर आर द डिस्प्लेड इन द कम्युनिटी वाइज रिजल्ट पब्लिश बिलो ऑफ द रोल नंबर वाइज। तो यहाँ पर इन्होंने देखोगे रोल नंबर वाइज इन्होंने कम्युनिटी में रिजल्ट पब्लिश किया, मतलब यहाँ पर ये बताएंगे कि हमने जो है कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है। तो यदि हम यू आर कैटेगरी की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे तो यू आर कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल इन्होंने 4,227 कैंडिडेटों को जो है यू आर कैटेगरी से डीबी के लिए सेलेक्ट किया है। अति अब हम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में टोटल देखेंगे 1,233 कैंडिडेटों को जो है डीबी के लिए सेलेक्ट किया। आप भी इसमें अपना रोल नंबर देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि आपका भी रोल नंबर हो क्योंकि उस बार आपने गलतियाँ कर दी हो, इस बार कैटेगरी वाइज दिया थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वहीं पर यदि हम एससी की मेरिट की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में टोटल जो है 896 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया। वहीं पर यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें कि एसटी में आपके कितने कैंडिडेटों को शामिल किया गया है तो आप देख पाएंगे यहां पर जो है एसटी कैटेगरी में इन्होंने टोटल देखोगे आप 691 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो EWS कैटेगरी में टोटल 950 कैंडिडेटों को सम्मिलित किया है। अब यदि हम यक्ष सर्विसमैन की बात करते हैं कि यक्ष सर्विसमैन में कितने कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है तो आप देख पाओगे इसका इन्होंने क्या है तो यक्ष सर्विसमैन में यहाँ पर देखोगे इन्होंने टोटल 28 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है। वहीं पर CCA कैटेगरी में यदि हम बात करते हैं तो वहीं पर यदि हम PWD कैटेगरी में बात करते हैं जिसमें HI कैटेगरी में आप देख पाओगे केवल 21 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया। वहीं पर PWD में LD कैटेगरी में देखेंगे 72 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया। वहीं पर PWD में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख पाओगे 47 कैंडिडेटों को VI में और MD में केवल जो है एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया और टोटल 9,498 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया था। फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी प्रोवाइड करा दिया हूँ। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ स्टडी विद मैथ फॉर।